अब हम बात करते हैं, आपको मैंने बताया था एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, आर सी, सीओसीएल हाँ सी ओ एंड ओ एच, इसको हम लोग क्या कह देते थे, एसिड कहते थे। एसिड में हम लोग लास्ट में क्या यूज करते थे, ओइक एसिड यूज करते थे, ठीक है। लेकिन यहीं पे ओ एच को हटा के आपने क्या करा, कोई भी सी एक्स ग्रुप को लगा दिया, यानी कि हैलाइड ग्रुप को लगा दिया, तो इसको हम लोग कह देते हैं एसिड हैलाइड ग्रुप, ठीक है। इसको हमने क्या कह दिया, एसिड हैलाइड कह दिया। इसका जो नाम लिखने का तरीका है, ऑयल हैलाइड यूज करेंगे। जैसे यहां पे देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, विथ मिथनॉयल, नॉइल हाँ ओके। नॉइल अच्छा अगर फ्लोराइड मेरे पास फ्लोरीन है तो क्या यूज कीजिएगा, फ्लोराइड। फ्लोराइड अगर मेरे पास क्लोरीन है तो क्या यूज फ्लोराइड फ्लोराइड कीजिएगा, क्लोराइड। और मेरे पास फ्लोरीन ब्रोमीन है तो क्या यूज करेंगे, ब्रोमाइड 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 यूज करेंगे। ओके फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, अगर आयोडीन है तो क्या यूज करेंगे, आयोडाइड 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 यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या करेंगे कि इनका जो है यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कौन सा ग्रुप है, क्लोरीन ग्रुप है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल हाँ मिथनॉयल क्लोराइड क्लोराइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, इथेनॉल वन टू, दो यानी कि क्या हो जाएगा, इथेनॉमाइड दो, तो इथेनॉयल, इथेनॉल ब्रोमाइड हाँ ब्रोमाइड इथेनॉयल क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमाइड ब्रोमाइड। ब्रोमाइड तो इस प्रकार से जो हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। ओके अब यहाँ पे देखिए हम इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी, वन टू थ्री एंड फोर। तो टू कोमा थ्री डाई मिथाइल, अच्छा इससे लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं ना, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, यही है डाई मिथाइल। ओके अब यहाँ पे जो है मिथेनॉयल हो जाएगा, सॉरी ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो टू टू कोमा थ्री डाई मिथेनॉयल हो जाएगा। कितने कार्बन है, चार है, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट, और ब्यूटेनॉइल ब्यूटेनॉइल हाँ ब्रोम ब्रोमाइड ब्यूटेनॉयल, और क्या है ब्रोमीन है, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमाइड ब्रोमाइड नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो एसिड हैलाइड वाले होंगे तो आप इसका क्या कर सकते हैं, नाम इसका जो है लिख सकते हैं। ओके अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपके सामने क्या है कि यहाँ पे वन कोमा टू, ठीक है, तो टू पे क्या है, साइक्लो, हेलो हाँ मिक्सिंग हेक्सेनर, ठीक है हेक्सेनर, हाँ। और यहाँ पे क्या है इथेनॉल कि टू कार्बन है, तो टू कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्लोराइड फ्लोराइड इथेनॉयल क्लोराइड यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके अब हमारे पास यहां पे देखिए क्या है, एक ही कार्बन है, हमारे यस पास यहाँ पे क्या सर है, एक ही कार्बन है, तो इसकी नंबरिंग वन हो जाएगी। तो वन पे क्या है, साइक्लो, वन साइक्लो हाँ क्लोराइड मिथेनॉल क्लोराइड फ्लोराइड हेक्सेनाइल, और क्या हो जाएगा, हाँ मिथेनॉल क्लोराइड ओके। अब यहां पे आप इसको क्या यूज कर लोगे, मिथनॉयल, क्लोराइड क्लोराइड का हम लोग क्या कर लेंगे, इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है यूज कर सकते हैं। ओके अब देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे वन है तो इसकी नंबरिंग वन टू थ्री एंड फोर हो जाएगी। ओके अब हमने यहाँ पे क्या करा कि साइक्लो है, तो साइक्लो में क्या हो जाएगा, वन पे सारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो फोर पे ब्रोमो, साइक्लो ब्यूट, ब्यूटेनॉल अब वन पे ही है तो यानी कि ब्यूटिनल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्लोराइड मिथेनॉयल क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमाइड ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं इसका, देखिएगा
वन टू, क्या नंबरिंग हो जाएगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्या नाम हो जाएगा, टू पे सारा चीज है, तो टू पे टू ब्रोमो, टू ब्रोमो इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। ओके, अब यहां पे देखिए हम नंबरिंग करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या है, टू पे वन टू थ्री फोर फाइव, तो टू पे आपका कौन सा ग्रुप है, साइक्लो पहले इथेनॉइल, थ्री पे इथेनॉइल है, थ्री इथेनॉइल साइक्लोपेंटेन, हाँ वेरी गुड, थ्री इथेनॉइल साइक्लो पेंटाइल, ठीक है ओके। अब हमारे पास कितने कार्बन है, पांच कार्बन है, तो पांच के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पेंटाइल। अब यहाँ पे थ्री पे इन है इनॉइल, और क्या हो जाएगा, आयोडाइड। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर है, यस सर। बोलिए तमन्ना सर, आपने ये सिक्स कार्बन क्यों नहीं गिनी, अच्छा छह कार्बन है ना, यस सर, हेक्स, ठीक है, हेक्स इन ऑयल हो जाएगा, ठीक है ओके। अब इसकी नंबरिंग देखिए करते हैं, तो यहां से इसकी प्रायोरिटी वन, इसकी टू, इसकी थ्री, इसकी फोर एंड इसकी क्या हो जाएगी, फाइव। तो इसको हम लोग क्या कहते थे, मिथनिडीन, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते थे, मिथनिडीन। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, टू मिथनिडीन एंड मिथाइल, दोनों में सेम है, तो हम थ्री जो है टू थ्री मिथाइल और थ्री टू मिथिलीडीन, और क्या नाम हो जाएगा, फाइव है, तो पेंट फोर आई, आवाज कट के आ रही है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं जा रही है, ठीक है ओके, पेंट फोर वाइन। अब यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉयल, ठीक है नॉयल, और हमारे पास क्या है, क्लोराइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो इस प्रकार से जो हम लोग इस टाइप के कंपाउंड का जो क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसिड अमाइड का कैसे नाम लिखेंगे, अगर जब आपके पास क्या दिया हो, एसिड अमाइड, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एच हटा के पिछली बार हमने क्या कर दिया था, आपके लिए जो है एक्स जोड़ दिया था, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एनएच टू जोड़ रहे हैं, तो इस हाँ, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा कि इसको कहते हैं एसिड अमाइड ग्रुप। इसका जो नाम लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने क्या करा कि इसके लिए आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है, वन टू, आपके पास कितने कार्बन है, दो कार्बन है, yes, तो sir. क्या लिखेंगे, मिथना, दो कार्बन है, इथेनामाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार एन छूट गया है, ये इथेन अमाइड भी कह सकते, ई हटा के हमने क्या कर दिया, अमाइड जोड़ दिया, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इथेनामाइड। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन अमाइड, अमाइड प्रोपेन, और यहां पे क्या हो जाएगा, अमाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम क्या करना है कि जब आपके पास क्या हो, अमाइड यानी कि NH2 और साथ में COO, तो इसको हम लोग जो है इस प्रकार से क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, ठीक है ओके। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, इसका वन, इसका टू, यहाँ पे वन टू थ्री फोर, तो वन पे क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटाइल,
ठीक है, वन साइक्लोब्यूटाइल हो जाएगा। अच्छा डबल बॉन्ड तो छूट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूट, और यहाँ पे कितने, हाँ तो वन है तो इनाइल हो, तीन लगा देंगे। हाँ इनाइल लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिर्फ आपका, टू नहीं होगा स्टार्टिंग में? हाँ ठीक है ओके। अब यहाँ पे टू साइक्लोब्यूटेनाइल, और कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इथ अमाइड, जिसको हम लोग इथेन अमाइड भी कहते हैं ओके। इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, वन टू थ्री। अब यहाँ पे क्या हो जाए, हाँ थ्री साइक्लो, थ्री साइक्लोहेक्सेनाइल हाँ प्रोपेन अमाइड, हेक्सेनाइल, और क्या हो जाएगा आपका, प्रोपे अमाइड, प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके जो है नाम लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, हमारे पास क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका वन हो जाएगा, इसकी नंबरिंग करेंगे वन, सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्या नाम हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सामाइड कह देते हैं, ठीक है कार्बोक्सी अमाइड कह देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास क्या है, वन पे सबसे पहले क्लोरो आता है कि ब्रोमो, तो सिक्स ब्रोमो, सिक्स ब्रोमो, फोर क्लोरो, फोर क्लोरो, साइक्लो हेक्सनल, अब कितने पे है, वन पे है तो हेक्सनल हो जाएगा इनाइल, और जो है यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया। और इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज कर, कार्बो ऑक्सामाइड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके जो है नाम आपने वन पे है ना, अच्छा ठीक है, लोएस्ट कौन सा है, वन है, तो इसलिए जो हमने क्या करा, हेक्सनाइल लिख दिया ओके। अब इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, वन टू थ्री, थ्री के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोपेन ट्राईअमाइड, हाँ वन कॉमा टू कॉमा थ्री ट्राई कार्बो ऑक्सामाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसका नाम लिख दिया। हाँ जी बोलिए सर, मिथेन अमाइड नहीं होता, मिथनामाइड। यस सर, एक्चुअली आप किसी एक को प्रियोरिटी दे रहे हो ना, आप अगर जो लिखते तो एक, तीनों तो सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो आप एक के साथ कैसे नाइंसाफी कर सकते हो, दो को जो है आपने प्रियोरिटी दिया, एक को जो है आप छोड़ दोगे, एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करोगे, इसीलिए हमने तीनों को जो है क्या करा है, जब इस टाइप से होता है तो हम लोग उसको कार्बोक्सामाइड यूज करते हैं ओके। अब हम बात करते हैं ईस्टर, ध्यान से सुनना, ईस्टर को ना दो तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, एक आर सी ओ ओ आर, जनरली आपको यही फॉर्म में मिलेगा, या आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ईस्टर में दोनों साइड दो ऑक्सीजन होते हैं और दो आर होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पहचानने का तरीका, ईस्टर में दो ओ होंगे दो आर होंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरी बात, ये जो जिसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ होगा ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोनोइड कह देते हैं। जिसके साथ क्या जुड़ा होगा, सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ा होगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे, अल्कनोइड कह देंगे। और yes. अगर हमारे पास जो ओ से आर जुड़ा होगा, इसको हम लोग क्या कह देंगे, अल्काइल ग्रुप कह देंगे। फिर से ध्यान से सुनना, हमने क्या कहा कि आर सी डबल बॉन्ड ओ होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, अल्कनोइड कह देंगे, और जो ओ आर जुड़ा होगा उसको जो नाम लिखेंगे, उसका नाम क्या लिखेंगे, अल्काइल लिखेंगे। अब यहां पे देखिए, ओ से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अल्काइल हो जाएगा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, मिथाइल, एक कार्बन है तो हमने क्या नाम लिखा, मिथाइल ओके। और यहां पे देखिए कितना है, वन टू, तो क्या नाम हो जाएगा, इथनोइड, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इथनोइड, अल्कनोइड और जो है इथनोइड हो जाएगा। बोलिए ये बात के लिए, हाँ जी
सर इसमें मतलब अल्फाबेट वाइज नहीं देखा जाएगा कि सिर्फ ऐसी? नहीं, ये नाम लिखने का तरीका है ना, अच्छा यस ये सर। तो एक नाम ही लिखने का तरीका है, जब उन्होंने ही बनाया है आईपैक वाले ने कि आप पहले अल्काइल को लिखिए तो फिर हम लोग क्यों लिखेंगे, तो इसीलिए अल्काइल अल्कोनोइड। अब देखिए यहां पे क्या नाम हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट हाँ इथाइल इथाइल, क्या नाम हो जाएगा, इथेनोएट इथेनोइड, इथेनोएट इथेनोइड। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम जो है नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 1 2, तो हमारे पास क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो इथाइल, ठीक है ओके। और हमारे पास 3 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइट प्रोपोनोएट। नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। ओके 1 और 2, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इथनाइल, इथ 1 पे ही है तो इनाइल, ओके। और यहां पे हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, तो 2 पे क्या हो जाएगा, साइक्लो, और क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, ओके। यहां पे इस प्रकार से लिखे। और हमारे पास 4 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट नोएट। इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर है, क्लियर है, प्रीति ने कुछ यस पूछी है तो हाँ बोलिए प्रीति। मैसेज किया है सर इसने। मिथॉक्सी, हाँ आप वो कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, ठीक। हम यहाँ पे कॉमन नेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है आईपीएक नेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है आप जो है कॉमन नाम में लिखते हैं। ओके अब हमारे पास यहाँ पे सेम क्वेश्चन है क्या, ओके बस अंतर क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथनाइल, ओके 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा, 2 साइक्लो हेक्सेनाइल, एक्स हाँ। और क्या नाम हो जाएगा, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट ब्यूटीन नोएट एसिड, नोइट। ठीक है नोएट। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या करेंगे, इनके जितने भी, आपको बस ध्यान रखना है कि अगर इस्टर दिख जाए तो अल्काइल अल्कोनेट का यूज करेंगे, इस्टर दिख जाए तो किसका यूज करेंगे, अल्काइल अल्कोनेट का यूज करेंगे। जहां सी डबल बॉन्ड ओ होगा तो उस वाले कार्बन को अल्कनोइट यूज करेंगे, और ओ के साथ जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या यूज कर देंगे, आपका अल्काइल ग्रुप यूज कर देंगे। ओके अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ईथर को नाम लिखने का क्या तरीका है। जैसे यहां पे जो ईथर होता है, वो ईथर हम लोग कहते हैं कि ROR, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ROR को ईथर कहते हैं। ईथर में दोनों साइड आर है और बीच में हो, तो हम किसको अल्कोक्सी कहेंगे, किसको अल्केन कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि, हाँ जी अगर किन्हीं को पता है बताइए, सर छोटे कार जिसके वाले वाली कार्बन कार्बन होगी वो एल्केन होगी और छोटी वाली होगी वो एल्कोक्सी। ओके, स्मॉल कार्बन जिसके पास होगा, स्मॉल कार्बन जिसके पास होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्कोक्सी। एल्कोक्सी और लार्जर कार्बन जिसके पास होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, अल्केन कह देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि यहां पे ओ है और यहां पे क्या है, ए है, यानी कि 0 को हम 0 ले लेते हैं, अल्केन को 1 ले लेते हैं। इसका मतलब है छोटे वाले कार्बन को हम लोग क्या कहोगे, अल्कोक्सी कहोगे, बड़े वाले कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, अल्केन कहेंगे। जैसे यहां पे तो दोनों सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वेरी गुड, मिथॉक्सी तो मिथॉक्सी इसका नाम क्या मिथेन हो जाएगा, मिथॉक्सी मिथेन मिथेन नाम हो जाएगा। ओके इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी वेरी गुड, मिथेन
इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, क्योंकि छोटे वाले कार्बन को अल्कोक्सी कहेंगे, यानी कि स्मॉलर कार्बन है ये। स्मॉलर कार्बन का मतलब है कि जो इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए, मतलब जो इधर साइड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है कम होगा, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, स्मॉलर कार्बन वाले को अल्कोक्सी यूज कहेंगे, और इधर साइड जो है आपका क्या है, लार्जर कार्बन है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है इसको क्या कहेंगे यहाँ पे। तो छोटे वाले कार्बन को हमने क्या कहा, मिथॉक्सी, यानी कि अल्कोक्सी की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, मिथॉक्स मिथॉक्सी। और यहाँ पे बड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, इथेन इथाइल कह देंगे। ठीक है, ओके। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी वेरी गुड, इथेन क्या नाम हो जाएगा, इथॉक्सी इथॉक्सी इथेन इथेन नाम हो जाएगा। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाँ जी, मिथॉक्सी इसमें इथॉक्सी इथाइल क्यों नहीं आएगा फिर? अच्छा सॉरी, इथाइल ही आएगा, इथॉक्सी। हाँ सर बोलिए, इथाइल कैसे आएगा? आपने बताया कि अल्केन आएगा तो फिर मिथेन नहीं आएगा? आपने अगर अल्काइल बताया होगा तो आना था अच्छा इथाइल। हाँ सॉरी, हमने शुरू में जो है थोड़ा सा गलत कर दिया, जस्ट 1 मिनट। हमने क्या बताया था, अल्कोक्सी अल्केन ना, छोटे वाले को अल्कोक्सी कहेंगे, बड़े वाले को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इथॉक्सी हाँ वेरी गुड, सही है, इथॉक्सी इथेन कह देंगे। यहाँ पे वो नहीं है, क्या कहते हो, अल्काइल, अल्काइल हाँ नहीं हाँ यहाँ पे जो अल्काइल यूज नहीं करेंगे, तो हमने यहाँ पे मिथॉक्सी इथाइल लिखा है ना। ठीक है, सर बड़े वाले कार्बन को हम लोग जो है क्या लिखेंगे, यहीं पे गलत, इथेन हाँ यहाँ गलत कर दिया था। ठीक है, मिथेन आना था, नहीं इथेन आना था। हाँ यहाँ पे बड़े वाले कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इथेन। ओके, अब शायद सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी नंबरिंग करते हैं, क्योंकि छोटे वाले कार्बन को मिथॉक्सी प्रोपेन मिथॉक्सी प्रोपेन नाम हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, प्रोपेन प्रोपेन मिथॉक्सी प्रोपेन नाम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ये छोटा कार्बन है, तो छोटे कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मिथॉक्सी। ऑक्सी लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, मिथ नहीं होगा इन, सर, इथोक्सी नहीं होगा। हाँ इथॉक्सी, सॉरी कार्बन भी गलत गिन रहे हैं, इथ। और यहाँ इथोक्सी पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है, 1 पोजीशन पे इथ इन ऑक्सी। ठीक ऑक्सी है, अब यहाँ पे कितने क्योंकि कार्बन है, प्रोपेन हाँ प्रोपेन प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटॉक्सिस, बिटॉक्सी बिटॉक्सी हाँ एंड 1 2 3 4 5, पेंटेन क्या नाम हो पेंटेन जाएगा, पेंटेन जो है इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इपॉक्सी की, कि कब इपॉक्सी लिखना है। तो याद रखना कि इपॉक्सी अगर जो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको जो है क्या लिखते हैं, इपॉक्सी लिखते हैं। तो इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर साइड से नजदीक पड़े, 1 2 3 4 5। आपको ध्यान क्या देना है कि जिस जिस पोजीशन पे है वहां पे उस पोजीशन को करके जो है, लेकिन ध्यान रखना कि लोएस्ट इसको मिलना चाहिए। तो 5 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, पेंटेन 1, सॉरी 2, 3, किस किस पोजीशन पे इपॉक्सी है, तो 2, 3 2, इपॉक्सी लिख देंगे। ठीक है, अगर जब आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिख जाए, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, पेंटेन 2, 3, इपॉक्सी लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या नंबरिंग होगा, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, पेंटेन पेंटेन, हाँ 2, 3, और क्या हो जाएगा, इपॉक्सी। इपॉक्सी ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, मान लीजिए मेरे पास ऐसा हो, 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे मैंने इपॉक्सी ग्रुप जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन 1 2 3, हेप्टेन वन फोर कॉमा फाइव थ्री इपॉक्सी कॉमा फोर
वेरी गुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेप्टेन थ्री क्या कॉमा नाम, फोर 3.4 क्या नाम हो जाएगा, इपॉक्सी। इपॉक्सी, इस टाइप का कंपाउंड होगा, तो आप इसका नाम लिख सकते हैं। ओके, अब हम जो है मेन आज की क्लास की बात करते हैं, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का मतलब होता है जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो। इसका मतलब क्या है, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, जब आपके पास क्या हो, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, पॉलीफंक्शनल ग्रुप। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉलीफंक्शनल ग्रुप में क्या होगा कि जब आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, CH3 COH एंड सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच होगा, ठीक है। मान लीजिए अब यहां पे ये इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड ग्रुप कह देते हैं, ठीक है, वेरी गुड। इसको हमने क्या नाम दे दिया, एसिड नाम दे दिया। इसको हमने क्या नाम दे दिया, हाइड्रोक्सी। हाँ, यहाँ पे ये अल्कोहल ग्रुप, अभी हम नाम नहीं लिख रहे, ठीक है। अब आपके सामने समस्या आ गई कि हम किसको प्रायोरिटी दें। अब अगर ये दो दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। आपको याद रखना है कि कोई भी आईपीएक नॉमिनिक्लेचर में सिर्फ और सिर्फ एक को ही प्रायोरिटी दे सकते हैं, बाकी दूसरे को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमको नाम लिखने में काफी ज्यादा दिक्कत होगा। अगर जैसे मान लो दो को हमने प्रायोरिटी दे दिया, हो सकता है कि चार फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो हम चारों को फंक्शनल, कोई लिखेगा इसके इधर से, किसको लिखेगा कोई इधर से, जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैंने कोई, अगर जब प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं देता तो कोई हाइड्रोक्सी वाले की साइड से लिखता 1 2 3, कोई इस साइड से लिखता, तो जिस कारण से हमें परफेक्ट नहीं नाम मिल पाता। तो इसलिए कहा कि आप किसी एक को मेन फंक्शनल ग्रुप मानिए, बाकी को आप क्या मान लीजिए, यानी कि जो है सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए। अब हमारे सामने समस्या आई कि हम अपने हिसाब से किसको माने, तो उन्होंने कहा कि हम एक टेबल देते हैं, आप उस टेबल को रन कर लर्न कर लीजिए, और उसके अनुसार से आप क्या कीजिए, किसी को आप क्या कीजिए कि प्रायोरिटी ज्यादा दीजिए। तो वो उन्होंने कहा कि किसको हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, जैसे मैं इसका नाम लिखूं, तो उन्होंने कहा कि एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अगर एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो इसको हम 1.2.3 लिखेंगे, ठीक है, ओके। अब अगर हमने 1 2 3 लिखा तो इसका नाम क्या हो जाएगा कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अभी मैं बता रहा हूं कि OH को हम लोग जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखते हैं तो हाइड्रोक्सी लिखते हैं, आपको भी धीरे धीरे मैं याद भी कराऊंगा, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, वेरी गुड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। आज आरुषि आरुषि नहीं है, ठीक है, आरुषि गलता, प्रोपेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से, तो भाई इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखना होगा। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं, कार सेंट्रो ऐसी थी, जैसे सेंट्रो कार पहले चलती थी, अब सेंट्रो कार हट गई, उसमें CEN होता है, आप लोगों ने देखा है सेंट्रो की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है, देख लीजिएगा। खैर, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सियाका का टेम्पो था, तो आपको यहां पे याद रखना है कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये तीन वर्ड का, बाकी सभी वर्ड का क्या है, आपको वो जो है सीक्वेंस में चल रहा है। जैसे पूरे आपके नॉमिक्लेचर में सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दीजिएगा वो किसकी दीजिएगा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो है प्रायोरिटी किसकी हो जाती है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का। इसको अगर जो सफिक्स के रूप में लिखिएगा तो ओइक एसिड, और अगर आप इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, कार्बो ऑक्सी लिखिएगा। फिर किसका होता है, सल्फोनिक एसिड का, ठीक है। तो सल्फोनिक एसिड में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सल्फोनिक एसिड लिखेंगे, और इसके लिए हम जो सफिक्स यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, सल्फो यूज करेंगे। फिर हमारे पास एनहाइड्राइड होगा, एनहाइड्राइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओइक एनहाइड्राइड यूज करेंगे,
और इसका सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता कभी भी, इसको हम जनरली लास्ट में यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको क्या करते हैं हम लोग जो है ओइक एनहाइड्राइड यूज कर लेते हैं, और सफिक्स सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इसका यूज हम लोग नहीं, कोई भी वर्ड नहीं है। प्रो, प्रो में क्या होता है इस्टर, इस्टर का मतलब क्या होता है अल्काइल अल्कोनोइट, और यहाँ पे जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं अल्कोनिक कार्बोनाइल का यूज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं अल्कोनी जो है कार्बोनिल का यूज कर लेते हैं। सिमिलरली एसिड यहां पे याद रखिएगा एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड जो होगा उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ऑयल हैलाइड का यूज करते हैं, और यहां पे लिखेंगे वो हेलो फॉर्माइल, हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप, फॉर्माइल जो है हम लोग उसके लिए यूज करते हैं। सिमिलरली अगर जब आपके पास अमाइड ग्रुप हो तो अमाइड यूज करना, और सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसको हम लोग क्या यूज करेंगे कार्बोनाइल का यूज करेंगे। अगर जैसे साइनाइड है तो साइनाइड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे नाइट्राइल यूज करेंगे, और इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे सब्स्टिट्यूएंट में साइनो का यूज करेंगे। अगर जैसे एन से जुड़ा है, सी से जुड़ा है तो साइनाइड, एन से जुड़ा है तो आइसो साइनाइड, तो यहाँ पे आइसो नाइट्राइल, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे आइसो साइनो का यूज करेंगे। अल्डिहाइड में अल जो है आप क्या यूज करते हो सफिक्स के रूप में, और जो है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम लोग क्या यूज करेंगे फॉर्माइल या ऑक्सो का यूज करेंगे। कीटोन में हम ऑन का यूज करते हैं तो ऑक्सो हो जाता है, और जो है हम उसको क्या यूज करेंगे कीटो का यूज करेंगे। सिमिलरली जब आपके पास अल्कोहल ग्रुप होगा तो हम अल्कोहल के लिए क्या यूज करेंगे ऑल ऑल यूज करेंगे, और इसके लिए जो है सब्स्टिट्यूएंट होगा तो हम इसको क्या यूज करेंगे हाइड्रोक्सी के यूज करेंगे। फिर आपके पास थायोडिकल होगा यानी कि जो है थायोडाइल होगा, तो यहाँ पे हम लोग जो है थायोल का यूज करेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मरकैप्टो का यूज करेंगे, और अमाइन में NH2 जो है अमाइन का यूज करेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट में अमीनो का यूज करेंगे, और इसके लिए आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता, इपॉक्सी का यूज कर लेंगे। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा चीजें समझा देता हूँ कि आपको उसको याद भी रखना है। आप ये याद रखिएगा कि कार सेंट्रो, ठीक है, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे, इसको थोड़ा नीचे लिखते ताकि कि ऊपर में भी हम लोग जो नाम लिख सके, कार सेंट्रो, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे सिया का एम्बेसडर, सिया का, ठीक है, यस एम्बेसडर छूट गया ना, ठीक है, यस जैसे एम्बेसडर सिया का, क्योंकि अमाइड आएगा, सिया का टेम्पो, ठीक है। ओके, कार से क्या हो जाएगा कार्बो ऑक्सिलिक, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। आप इसको याद रखना, अगर आप याद नहीं रखते कि कब किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो आपके गलत आंसर आ जाएंगे। आप सारी चीजें जो है सही लिखोगे लेकिन फिर भी जो है आंसर आपका गलत आ जाएगा। एस से क्या हो जाएगा सल, सल्फोनिक हाँ एसिड वेरी गुड, सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। यस एन से क्या हो जाएगा एल्डिहाइड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ठीक है, और प्रो से क्या हो जाएगा इस्टर, मिस्टर और एसिड से क्या हो जाएगा, एसिड हैलाइड वेरी गुड, राइट एसिड हैलाइड हो जाएगा। और इन दोनों का कोई मतलब नहीं होता, एम्बेसडर से क्या हो जाता है अमाइड अमाइड, माइड और यहां सियाका से ध्यान रखिएगा, सी से क्या होता है साइनाइड, साइनाइड ठीक है, और आई से आइसोसाइनाइड क्या हो जाता है, वेरी गुड, आइसोसाइनाइड, और ए से क्या हो जाता है अल्डिहाइड, और के से क्या हो जाता है कीटोन कीटोन हो जाता है, और ए से क्या हो जाता है अल्कोहल अल्कोहल हो अल्कोहल जाता है।
ठीक है। टी से क्या हो जाता है, थायोल, जिसको हम सब्सटेंट में मरकैप्टो यूज करते हैं। एम से क्या हो जाता है, अमाइन। और पो से क्या हो जाता है, इपॉक्सी। ठीक है, इपॉक्सी। तो इसको आपको याद रखना है। कार्बो ऑक्सलिक की जगह पे हम जो है सब्सटेंट में कार्बोक्सी यूज करते हैं, सल्फोनिक एसिड की जगह पे सल्फो यूज करते हैं, एनहाइड्राइड जो है ओइक एनहाइड्राइड यूज करते हैं, लेकिन इसका सब्सटेंट नहीं होता है। इस्टर के लिए जो हम लोग बताया था अल्काइल अल्कोनेट होते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, अल्कोनी, और जो है हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, कार्बोनाइल यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि जो है यहां से एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब क्या हो जाता है, अच्छा एसिड हैलाइड बच गया। एसिड हैलाइड में हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑयल हैलाइड का यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्मल जो है हैलाइड का, यानी कि जो भी ग्रुप आपका जुड़ा रहे। एम्बेसडर में अमाइड होता है, और यहाँ पे हम लोग जो क्या यूज कर लेते हैं, एम्बेसडर के अमाइड से जो है कार्बो, हाँ कार्बोनाइल यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, कार्बोनाइल। अब फिर हमारे पास साइनाइड है, तो साइनाइड के लिए हम लोग जो क्या यूज कर लेंगे, नाइट्राइल यूज करते हैं। नाइट्राइल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, साइनो सब्सटेंट। आइसो साइनाइड के लिए आइसो नाइट्राइल यूज कर लेंगे। और हमारे पास अल्डिहाइड है, तो क्या यूज करेंगे, अल, और जो है क्या यूज करेंगे, फॉर्माइल या ऑक्सो का यूज करेंगे। कीटोन है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, ऑक्सो या कीटो का यूज करेंगे। और आपके पास अल्कोहल होगा तो हम किसका यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी का यूज करेंगे। थायोल है तो मरकैप्टो का यूज करेंगे, अमाइन ग्रुप है तो अमीनो का यूज करेंगे, और इपॉक्सी है तो इसके लिए सब्सटेंट का हम लोग कोई भी यूज नहीं करते हैं। अब इनका हम लोग जो है एप्लीकेशन देखते हैं एक एक करके। अब सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि प्रियोरिटी ऑर्डर किसकी ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक। तो नंबरिंग जो होगा वो यहां से होगा वन, ठीक है, इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, वन टू थ्री फोर, क्योंकि कार सेंट्रो ऐसी थी तो कार आ गया पहले ही। ठीक है, ओके। टू हाँ, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, हमने कहा कि ओ टू एच के लिए हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक टू हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एसिड। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि चार कार्बन है। ओके, तो इस प्रकार से जो हमने क्या करा कि इसका जो है नाम लिख दिया, टू हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड जो है नाम लिख दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा, अच्छा अब सबसे पहले देखना होगा कि NH2OH में किसकी प्रियोरिटी ज्यादा है, तो हम लिखते हैं और नेक्स्ट कार टू सेंट्रो। ठीक है, कार सेंट्रो, कार सेंट्रो ऐसी ऐसी थी थी, जैसे एम्बेसडर सिया का के टेम्पल। हाँ जैसे एम्बेसडर, हाँ सियाका का टेम्पो। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखते हैं अमाइड कहाँ पे आ रहा है, कार्बोक्सिलिक सेंट्रो, और यहां पे हमारे पास क्या है, यहीं पे जो है अमाइड आ रहा है। ठीक है, ओके। तो यहां से, सॉरी, एनहाइड्राइड ऐसी थी और एम्बेसडर, यहां पे जो है अमाइड आ रहा है। और हमारे पास क्या है, OH ग्रुप है, तो यहाँ पे हमें पता है, तो इसकी जो प्रायोरिटी सेकंड हो जाएगी। तो इसकी जो नंबरिंग होगी कहाँ से होगी, वन टू थ्री फोर एंड फाइव हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे थ्री क्या हो जाएगा, थ्री हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी पेंटेन हाँ अमाइड। वेरी पेंटेन गुड, अमाइड हाइड्रोक्सी, और क्या नाम हो जाएगा, पेंट पेंटेन अमाइड। अमाइड नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर है। यस सर। ओके, यस सर। अब हम इसकी नंबरिंग की बात करते हैं। अब जब कार्बो ऑक्सिलिक आ जाए तब तुम्हें सोचना ही नहीं है, तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर। अब ये कीटोन ग्रुप है, ठीक यस है, तो कीटो के लिए हमने क्या कहा कि ऑक्सो यूज करते हैं। देखिए यहां से, थ्री हाँ, ऑक्सोब्यूटेनोइक तो यहाँ एसिड। पे जो हम लोग कीटोन के लिए क्या यूज करेंगे, ऑक्सो का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या नाम हो जाएगा, वन टू थ्री फोर, हाँ थ्री थ्री कीटो ब्यूटेनोइक थ्री एसिड। ऑक्सो, क्योंकि हमने जो क्या करते हैं, ऑक्सो का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या नाम लिखा, थ्री ऑक्सो। ओके, अब यहाँ पे थ्री ऑक्सो हो गया। अब हमारे पास कितने कार्बन, वन टू थ्री फोर, फोर पे हमारा क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा,
ब्यूटनोइक एसिड नाम हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। यस ओके अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास दो एसिड है और एक अल्डिहाइड है, तो नंबरिंग तो हम इधर साइड से करेंगे, कहोगे इधर साइड से भी है, लेकिन इधर साइड से क्या है, सब्स्टिट्यूएंट भी नजदीक पड़ रहा है, इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4। बोलिए क्लियर है। ओके फॉर्मल्डिहाइड हाँ ब्यूट 1,4-डायोल वेरी गुड। यहाँ पे मैंने कहा कि CHO को हम लोग क्या यूज करते हैं, हाँ फॉर्मल फॉर्मल फॉर्माइल एल्डिहाइड, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 फॉर्माइल। आप चेक भी कर सकते हैं हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, कि आप जो है इसको क्या यूज कर सकते हो, हमारे पास क्या है ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, फॉर्मल अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड के लिए हम लोग फॉर्माइल यूज करते हैं। हमने क्या यस कहा, अल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्माइल, तो हम लोग जो है क्या यूज कर लेंगे, फॉर्माइल यूज कर लेंगे। ठीक है ओके, तो 2 फॉर्माइल हो जाएगा, 2 फॉर्माइल हो गया। ओके अब हमारे पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट वन और किस किस पोजीशन पे है, वन कॉमा फोर डाई फोर टू डाई ओई वन कैसे। ओ हाँ कैसे तो जी बोलिए मनीषा। यही पूछना था कि दोनों साइड ओके ठीक है ओके, तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम इसमें एल्केन नहीं लिखते किसमें, इसमें बोल रहा 4 लिखे तो ब्यूट, हूँ ब्यूट तो लिखे, ब्यूट 1,4-डायो के एसिड। यस हाँ जी एल्केन में AN लगता है ना लास्ट में हाँ ई में इसमें नहीं लगाया ओके, तो ब्यूट इसका जो है ऐसे ही नाम लिखा जाता है, कि आपका कहने के कि सर ब्यूट आप जो है एन और जो है 1,4-डायो, ठीक है ऐसे ही कह रहे हो। यस सर ओके ठीक है, अब यहां पे देखिए इस प्रकार से नाम लिखते हैं, यहां पे देखिए आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटो इस्टर है। ईस्टर हाँ इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस्टर। इस्टर एल्काइल का नाम लिखने के लिए मैंने तरीका बताया था, क्या बताया था, एनोक्स नहीं ये एनोलॉय जो है आपको अभी मैं सब पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है या कौन है। ठीक है, तो हम इसको नाम लिखने के लिए जनरल तरीका बताए थे, अल्काइल अल्कोनोइट। यस सर एल्कोनॉइल हाँ अल्काइल अल्कोनोइट ओके, ये जो है आईपीएक नाम। अब हम ये देखते हैं कि भाई इस्टर और सराइड में कौन जीतेगा, तो देखोगे कि इस्टर तो ट्रो पहले ही आ रहा है, कार्बो ऑक्सिलिक सल्फोनिक एसिड एंड फिर इस्टर आता है, इसका मतलब इसकी प्रियोरिटी तो ज्यादा है। हमारे पास क्या है कि साइनाइड को अब हम क्या यूज करेंगे, साइनो के फॉर्म में। हमने कहा था कि देखिए कार्बन किससे जुड़ा है, सी से जुड़ा है, अगर एन से जुड़ा होता तो क्या लिखते, आइसो हाँ साइनाइड आइसोसाइनो लिखते हैं, वेरी गुड। अब यहां पे देखिए हमारे पास क्या है कि इसका नाम लिखते हैं, कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइनो, तो सबसे पहले जो है इसकी साइनो नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, क्या नाम हो जाएगा, थ्री प्लीज साइनो। साइन और आपके पास मैंने कहा था जब आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ होगा तो उसको अल्कोनोइट लिखना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथाइल, दो कार्बन है ना, तो इथाइल और यस कितने कार्बन, 1, 2, 3, 4, क्या हो जाएगा, ब्यूट, नॉट हाँ ओनली ब्यूटनोइट हो जाएगा, ब्यूटनोइट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन कंपाउंड का जो है नाम लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर है। यस ओके सर अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड तो सोचना ही नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ओके। यहाँ पे आपके पास क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, अगर जो लास्ट में CO है तो यहाँ पे H तो होगा ही, तो यहाँ पे क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है। अब यहाँ पे नाम लिखते हैं, सबसे ज्यादा प्रियोरिटी हमें ये पता लग गया, अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइन साइनो। अब देखेंगे कि साइनो अल्फाबेट के अनुसार से कौन सा आ रहा है, इसको कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन को हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सो। ऑक्सो ओके और अल्डिहाइड को हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्माइल। ऑक्सो अब देखते सबसे पहले तो क्या आ गया भाई, साइनो आ गया, तो क्या नाम हो जाएगा, टू साइनो। फॉर्माइल ठीक है फॉर्माइल हाँ, फाइव फॉर्माइल, थ्री ऑक्सो ओके थ्री ऑक्सो
और क्या नाम हो जाएगा, थ्री ऑक्सो एसिड। वेरी गुड, थ्री ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, ठीक है ओके। अब हम बात करते हैं इसका, यहां भी हमें पता लग रहा है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे एसिड है तो एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, 1 2 3 4 5। अब आपको मैंने कहा था कि जब यहाँ पे एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड, हाँ जी सिक्स आएगा सर वहां पे, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा सिक्स, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था कि जब आपके पास ऑयल हैलाइड हो तो क्या लिखेंगे, फॉर्माइल हैलाइड लिख देंगे, ठीक है हम लोग क्या लिख देंगे, फॉर्माइल हैलाइड लिख देंगे, यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब एसिड है तो क्या लिखेंगे, हेलो फॉर्माइल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से जो है हेलो फॉर्माइल जो है क्या करेंगे लिखेंगे। अब यहाँ पे हेलो फॉर्माइल, तो यहाँ पे हेलोजन कौन सा है, ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड, तो क्या लिखेंगे, सिक्स पे है, सिक्स ब्रोमो हेलो हो गया, हेलोजन फॉर्माइल, तो सिक्स ब्रोमो फॉर्माइल ओके, सिक्स सिक्स ब्रोमो फॉर्माइल हो गया, और कितने कार्बन है, छह, छह कार्बन के लिए क्या नाम हो जाएगा, हेक्सानोइक एसिड, ठीक। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। अब यहां पे देखते हैं कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, एक साइड कीटोन है, एक साइड अल्कोहल, एक साइड साइनाइड है। तो मुझे याद आ रहा है कि सियाका के साथ जो है यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन बैठेगा, तो साइनाइड हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया और अल्कोहल हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होगी वो रहेगी साइनाइड की, 1 2 3 4 5 6। तो थ्री हाइड्रोक्सी और कीटोन को हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सो, क्या नाम हो जाएगा, थ्री हाइड्रोक्सी फोर ऑक्सो, फोर ऑक्सो, क्या नाम हो जाएगा, छह कार्बन है, अच्छा इसकी नंबरिंग जो है ना यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, इस कार्बन को भी तो लेना पड़ेगा, तो आपके पास टू मिथाइल भी आ जाएगा, कहाँ पे आएगा, एम एम यहाँ बीच में आ जाएगा, ठीक है, टू मिथाइल और कितने पे, फोर ऑक्सो और कितने कार्बन है, छह कार्बन है, हेक्सेन, हेक्सेन साइनाइड, अब साइनाइड है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, नाइट्राइल, नाइट्राइल। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हेक्सेन नाइट्राइल हो जाएगा ओके। अब इसकी नंबरिंग जो है यहाँ पे क्या है, आपका अल्डिहाइड है और यहाँ पे कीटोन है, तो आपको मेरे को ख्याल से सियाका जो है यहाँ से काम बन जाएगा, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन है, साइनाइड नहीं है, आइसोसाइनाइड नहीं है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, यस कीटोन भी है, ठीक है। तो अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, बोलिए क्लियर है, यस सर ओके। तो यहां से जो हमारे पास क्या नाम हो जाएगा, सबसे पहले तो थ्री क्लोरो, थ्री क्लोरो फोर मिथाइल फाइव ऑक्सो फोर मिथाइल हेक्सेनॉल, वेरी गुड, फोर ऑक्सो और कितने कार्बन, सर फाइव ऑक्सो आएगा, ओके सॉरी, फाइव ऑक्सो और कितने कार्बन, छह हेक्सेनॉल, हेक्सेनोइक हेक्सेनॉल, हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा सर, सर एल्डिहाइड, अच्छा 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 एल्डिहाइड ओके, हेक्सेनॉल हो जाएगा ओके, यहाँ पे एसिड नहीं है, ओएच नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं ओके। अब यहाँ पे देखिए इसकी नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल नाइट्राइल, हाँ मिथाइल नाइट्राइल, अच्छा ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या यूज करेंगे, साइनो, साइनो, ठीक है ओके। इसको हम लोग क्या यूज करेंगे, साइनो, साइनो यूज करेंगे ओके। इसको हम इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, फॉर्माइल, फॉर्माइल, फॉर्माइल,
अब हम देखते हैं अल्फाबेट के अनुसार से कौन आ रहा है, तो साइनो आ रहा है, क्या नाम हो फाइव जाएगा, साइनो फाइव फाइव साइनो। साइनो हाँ थ्री सिक्स सिक्स फोर माइल फोर माइल हाँ 6 4 माइल, थ्री मिथाइल साइनो हाँ हेक्सेनोइक एसिड 3 मिथाइल साइनो, साइनो हेक्सेनोइक मिथाइल। इसको नाम एसिड सही से लिखने के लिए क्या करेंगे, साइनो मिथाइल लिखेंगे, ठीक है, साइनो मिथाइल। ऊपर में भी सही नाम लिख देता हूं, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनो मिथाइल, साइनो मिथाइल। ओके अब ये क्या हो गया, 3 साइनोमिथाइल हो गया, और हमारे पास क्या बच गया, कुछ बचा है क्या, हेक्सेनोइक एसिड हेक्सेनोइक हाँ एसिड हेक्सेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने अल्कोहल है, कीटोन है, साइनाइड है, नाइट्राइल है, आइसोसाइनाइड है, तो किसकी प्रियोरिटी ज्यादा होगी, मेरे ख्याल से सियाका से, सियाका से साइनाइड साइनाइड की प्रियोरिटी ज्यादा होगी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ओके, इसका नाम लिखते हैं, क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोसर, हाँ आइसोसाइनाइड आइसोसाइनो, ठीक है, और इसको हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑक्सो, ऑक्सो ठीक है, और इसको हम लोग क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सी ठीक है ओके। अब हम देखते हैं क्या नाम हो जाएगा, ऑक्सो, फाइनो हाँ फॉर पहले है ऑक्सो मेरे ख्याल से पहले हाइड्रोक्सी आएगा, यस सर हाँ तो क्या नाम हो यस जाएगा, जो फाइव है हाँ फाइव हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी थ्री आई थ्री थ्री आइसो आइसोसाइन साइनो, और क्या नाम हो फोर जाए, ऑक्सो फोर फोर ऑक्सो ऑक्सो, और क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेन नाइट्राइल हाँ हेक्सेन, टू नाइट्राइल अच्छा 2 पे है, यस मिथाइल ग्रुप हो जाएगा ना यहाँ पे, क्या नाम हो जाएगा, इसकी नंबरिंग यहां से होगी ना, 1 1 2 हेक्सेन नाइट्राइल, मैं यहां पे लिख देता हूँ 2 मिथाइल, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जो है नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके अब हमारे पास क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, अब सबसे ज्यादा जो प्रियोरिटी होगी वो किसकी हो जाएगी, कार्बोक्सी, कार्बोक्सिलिक एसिड तो यहाँ पे वन, ये कार्बोक्सिलिक 1 2 3 हो जाएगा, तो CHO को, एल्डिहाइड को लोग हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्माइल, टू फॉर्माइल, एसिड फॉर्माइल थ्री हाइड्रोक्सी हाँ प्रोपेनोइक एसिड 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड प्रोपनोइक नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते थे, कार्बोनोइक एसिड, क्योंकि ये अलग कार्बन है ना, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो कार्बनोइक एसिड प्रोपाइल कार्बोनोइक कार्बोनोइक एसिड, एसिड ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बो नोइक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां से 1, अब किधर साइड चलते हैं, एल्डिहाइड साइड चलेंगे या कीटोन साइड, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक साइड अब देख लेते हैं कि सब्सट्रेट में किसका नाम पहले आ रहा है, इसको हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑक्सो, और इसका नाम क्या यूज करेंगे, फॉर्माइल, फॉर्माइल, ठीक है ओके। अब हमारे फॉर्माइल पास क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या नाम लिखते हैं, फॉर्माइल, फॉर्माइल और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी और इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑक्सो 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 जो है यूज करेंगे, ओके ठीक है। अब हमारे पास नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, 1 पे है, हाँ फॉर्माइल 2 फॉर्माइल, थ्री हाइड्रोक्सी हाँ फोर 3 हाइड्रोक्सी, ऑक्सो साइक्लो ब्यूटाइल हाँ 4 ऑक्सो, साइक्लो कार्बो ब्यूटाइल ब्यूटाइल कार्बोनोइक एसिड कार्बोनोइक एसिड है, कार्बोनोइक एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप
क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे आएंगे। आप इनके प्रियोरिटी टेबल को जो है प्रियोरिटी ऑर्डर को याद रखिए। दूसरी बात,